नमस्कार। संकट में इन तीन जनों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर संकट आए आपके जीवन में, मुश्किल आए आपके जीवन में, लेकिन अगर इन तीन लोगों का साथ आपको मिल जाए ना, तो आप संकट आराम से पार कर लोगे, आप मुसीबतों से आराम से लड़ लोगे और आपके जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएगी अगर इन तीन लोगों का साथ आपको मिल जाए। तो संकट में इन तीन लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, और वो तीन लोग कौन है ये देखिए। नंबर वन, अगर आप संकट में हो, अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है और आप मुसीबत में हो, अगर आपको आपकी पत्नी का साथ है ना, तो आप मुसीबत को आराम से पार कर लोगे, आप कठिनाइयों को आराम से पार कर लोगे, आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी अगर आपकी पत्नी आपके साथ है। कहते हैं ना कि हर मुसीबत में पत्नी कंधे से कंधे लगाकर खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि वो अपना पति का साथ देती है। पति की मुश्किल उसकी मुश्किल होती है। आप पुराणों में देख ले, आप बड़े बड़े ग्रंथों में देख ले, हमेशा नारी का बहुत बड़ा रोल रहा है किसी भी मुसीबत का सामना करने से। रामचरितमानस में राजा दशरथ का साथ दिया रानी केकई ने, जब वो मुसीबत में फंस गए थे तो रानी केकई ने उनका साथ दिया। भगवान श्री राम का साथ दिया माता सीता ने, जब वो वन में गए तो माता सीता भी उनके साथ साथ वन में गई। इसीलिए जब आपके जीवन में संकट आए, जब आपके जीवन में मुसीबत आए, लेकिन अगर साथ में पत्नी का साथ मिल जाए ना, तो आपकी मुसीबत आपके संकट आराम से दूर हो जाए। सेकंड, जब आपकी मुसीबत में आपके मित्र का साथ मिल जाए, दोस्त का साथ मिल जाए। कहते हैं ना कि दोस्त ऐसा होता है ना कि आपकी पर्ची होता है। दोस्त मुसीबत में होता है तो सामने वाले दोस्त को पता चल जाती है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। कहते हैं ना कि जब दोस्त कुछ भी नहीं करे लेकिन साथ में खड़ा रहे और ये कह दे कि जब भी संकट आए मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत करना मैं तेरे साथ हूँ, इतना सा वाक्य आपको बहुत बड़ा आगे ले जाता है। तो जब भी संकट आते हैं, जब भी मुसीबत आती है ना, लेकिन अगर आपके साथ में मित्र हैं, उन मित्र के सहयोग से आप किसी भी संकट को, किसी भी बाधा को पार कर लोगे। तो संकट के समय मित्र का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्र ऐसे रखना जो संकट में आपका साथ दे, ऐसे मित्र मत रखना जो सिर्फ आपकी खुशी के टाइम पर आपके साथ हो और लेकिन जैसे ही आपके ऊपर संकट आए वो दूर चले जाए, ऐसे मित्र मत रख। मित्र ऐसे होने चाहिए जो सुख में भी आपके साथ हो, दुख में भी आपके साथ हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब जब संकट आता है ना, तब मित्र साथ होता है ना, तो वो संकट आराम से कट जाता है। थर्ड एंड लास्ट, आपकी संतान, ध्यान रखना, अगर आप संकट में हो और आपकी संतान आपके साथ है ना, आपकी पत्नी आपके साथ में है, आपका पूरा परिवार आपके साथ में है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर जाओगे चुटकियों में। क्यों? क्योंकि आपका परिवार आपके साथ में है, आपकी संतान आपके साथ में, आपकी पत्नी आपके साथ में है, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आपको एक संबल मिलेगा मुसीबतों से लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप अकेले लड़ रहे हो, आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं है, आपकी संतान आपके साथ में नहीं है, तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। आपको धैर्य देने वाला कौन होगा? आपका साथ देने वाला कौन होगा? आपकी उम्मीदें टूट जाएगी और आप हार जाओगे। इसलिए अगर संकट के समय में संतान का साथ भी मिले ना, तो इंसान संकट को आराम से पार कर ले। तो चाणक्य की नीति कहती है कि संकट के समय अगर इन तीन लोगों का साथ होना, तो इंसान का संकट आराम से कट जाता है। नंबर वन पत्नी, सेकंड मित्र, और थर्ड संतान का साथ। अगर इन तीन लोगों का साथ मिल जाए ना संकट में, तो इंसान बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर लेता है।